महोदया, गौतम बुद्ध नगर द्वारा हाँ चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत डीसीपी ग्रेटर नोएडा के कुशल निर्देशन में स्वाट टीम थाना बीटा टू पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इन लोगों के द्वारा नवादा गोल चक्कर के पास से चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक गिरफ्तार व्यक्ति चिंटू ठाकुर, बिंटू उर्फ कालू जयप्रकाश और एक अभियुक्ता वर्षा है। इन चार को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 20 किलो 390 ग्राम अवैध गांजा, 400 ग्राम चरस, एक वरना कार, एक मोटरसाइकिल, 4 अदद मोबाइल जो घटना में प्रयुक्त होते थे, फ्लिपकार्ट कंपनी के लिफाफे, पैकिंग का सामान, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और डीएल इत्यादि बरामद हुए हैं। इसमें इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था, ये अभियुक्त जो बिंटू उर्फ कालू है, ये अभी तक इसमें मुख्य व्यक्ति है, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को कॉल करता था। और ज़्यादातर इसमें जो इनके क्लाइंट हैं या जिनको ये सप्लाई करते थे, वो आईटी कंपनी के, कॉलेज के या जो भी थे, वो इनके नॉन ग्राहक ही रहते थे। उसके माध्यम से, ये व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करते थे, व्यक्ति का लोकेशन मिल जाता था, ये लोकेशन वर्षा को, जयप्रकाश को ये उनको दे देता था और ये फ्लिपकार्ट के लिफाफों को यूज करते थे, उसमें से बंद करके ये पब्लिक प्लेस में भी डिलीवरी कर देते थे, ताकि किसी को ये शक ना हो कि ये कोई अवैध सामान है। इसे आम व्यक्ति को लगता है कि कोई फ्लिपकार्ट की सप्लाई आई, डिलीवरी आई है, वहाँ पे उसको डिलीवर करने आए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये गांजा सप्लाई करते थे, ये गांजा शिलांग से लाते थे, जो कि एक उत्तम क्वालिटी का है और इसकी कीमत काफ़ी अधिक है। और ये वहाँ से लगभग 40,000 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीद करके यहाँ पे 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए में इसको बेचते थे। तो ये पुड़ियाँ बना करके, जो इनका एक क्रोज परचेजर ग्रुप था, ये उनको सप्लाई करते थे। इसमें इनके जो लिंकेज मिले हैं, उसके आधार पर इनके फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज को भी इस्टेब्लिश करेंगे। इसमें भी कुछ और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और ये इसमें कई बार ये यहाँ के थानों से भी जेल जा चुके हैं। इसमें जो इनका ग्रुप है, ये लड़की पहले बीबीए की छात्रा बताई जा रही है इनका, और हम आपराधिक इतिहास और फर्दर डिटेल्स इनके खंगाल रहे हैं। इनको गिरफ्तार करके एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में जेल भेज रहे हैं। और इनकी सप्लाई, जो महत्वपूर्ण जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सर्विस में जो अच्छी पोजीशंस पे हैं और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के आसपास करते थे, और पुलिस कमिश्नर महोदया के निर्देशन में इससे पूर्व भी ना, और जो भी जो हमारा एजुकेशन हब है उसके आसपास जहाँ पर भी छात्र रहते हैं, जहाँ पे इसकी खपत की ज़्यादा संभावना रहती है, वहाँ पर भी हम लोगों ने काफ़ी गिरफ्तारियाँ की हैं। इस वजह से करते थे, कितने दिन से काम कर रहे हैं, कितने का माल बरामद हुआ जिनसे? ये इनके पास जो माल बरामद हुआ है उसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपये है, और ये काम काफ़ी दिनों से कर रहे थे। अभी तो जो पूछताछ आई है वो ये है कि कोरोना के बाद से कर रहे थे। इनके खाते और अन्य चीज़ों को भी हम लोग खंगाल रहे हैं, और उसके बाद इनके विरुद्ध हम लोग गैंग पंजीकरण करके इसमें कड़ी कार्रवाई इनके विरुद्ध सुनिश्चित करेंगे।